What's up guys, this is Prateek. So guys, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो नहीं किया था, वहाँ फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से अवेयर कराने जा रहा हूँ कि लाइक ओटीपी, आपने ओटीपी काफी बार सुना होगा, वन टाइम पासवर्ड, एंड आप इससे फ्रेंडली तब हो गए होगे जब ये ऑनलाइन एटीएम कार्ड में मैंडेटरी हो गया। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी कभी भी आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या कुछ भी शॉपिंग करते हो तो आप जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वहाँ ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, या तो आप 3D सिक्योर पेमेंट करते हो या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। तो ओटीपी वेरिफिकेशन ही 90% लोग करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर माना गया है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अब मैं आपको इससे ये अवेयर करना चाहता हूँ कि ओटीपी वेरिफिकेशन ये नहीं कि सिर्फ आपके बैंकिंग सर्विसेज के लिए ही अच्छा है। ओटीपी वेरिफिकेशन आपको हर सोशल मीडिया हो गया, आपका मेल हो गया, हर नेटवर्क से रिलेटेड हर चीज़ में आपको उसको एक्टिवेट करके रखना चाहिए। सो माय पॉइंट इज़ कि कहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जीमेल। रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से 90% जो जीमेल यूज़र हैं वो ओटीपी वेरिफिकेशन यूज़ नहीं करते हैं। आई मीन टू से कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये हो गया कि जब भी आपने जीमेल में लॉगिन करोगे, फेसबुक में लॉगिन करोगे, इंस्टाग्राम में लॉगिन करोगे, ट्विटर में लॉगिन करोगे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, अब तभी उसको प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। गाइस, ये ओटीपी जो है ये वर्ल्ड का सबसे सिक्योर अभी तक माना गया है। जो भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि ओटीपी वेरिफिकेशन के मदद से ही हम हैकिंग को रोक सकते हैं। तो आपके लिए भी काफ़ी बेटर है कि आप अपने जीमेल में, सोशल मीडिया, सारे हर जगह ओटीपी वेरिफिकेशन एक्टिवेट करके रखो। सो बहुत सिंपल है, लाइक आप जीमेल क्रिएट करते हो तो उस टाइम आपका फ़ोन नंबर मांगता है, आपने फ़ोन नंबर दिया, ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया। बट ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद ये नहीं होता कि आपका ओटीपी अब नेक्स्ट टाइम से आप इंटर जब भी लॉगिन करोगे जीमेल में तो ओटीपी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम आप कभी लॉगिन करोगे उसको एक्टिवेट करना होता है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा तभी आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट है, आप इसको हमेशा ऑन करके रखो, ठीक है। क्योंकि जीमेल हो गया, सोशल मीडिया, ये सब आपका एक बेसिक प्रोफाइल हो गया आपका, आप ये सब कुछ आपसे कनेक्टेड है। कुछ भी हो जाता है तो ये सारा ब्लेम आप पे ही आएगा, ठीक है। आपके मेल से, आपके सोशल मीडिया, कुछ भी होता है तो आएगा। आप भी जानते हो कि अब इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए इन सब मामलों में। अब न्यू रूल्स, न्यू पॉलिसीज, न्यू लॉज बन गए हैं साइबर क्राइम के थ्रू, ठीक है। उस टाइम आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये नहीं था, मेरा अकाउंट हैक हो गया। सो इट्स बेटर कि आप इसको प्रॉपर सिक्योर करके रखो ताकि आप अपने तरफ से सिक्योर रहो कि बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। अब थिंग इज दैट कि लोग क्यों नहीं कर पाते ओटीपी वेरिफिकेशन, लोग जानते ही नहीं है। जीमेल का सोर्स क्या है? जीमेल का सोर्स है एंड्रॉयड। लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा, ठीक है। जो मान लो जिनको पता ही नहीं है, जिनको तो छोड़ दो, आप बहुतों को पता नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा, शॉपकीपर ही आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट करके दे दिया, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन रन करने के लिए यू नीड ए जीमेल अकाउंट। अब आप जीमेल अकाउंट से रन कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो गया नहीं हो गया। इनफैक्ट मैं दूसरों को ब्लेम नहीं, मेरे घर में कितने ऐसे बंदे हैं, फिर लाइक मेरे अंकल हो गए हैं, बहुत कोई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। जस्ट उन्होंने कहा स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन ले लो, जीमेल अकाउंट बन गया। इनफैक्ट दे डोंट रिमेंबर द जीमेल पासवर्ड ऑल्सो, ठीक है। उसी अकाउंट से जीमेल भी बन गया, फेसबुक भी बन गया, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। उनको पता ही नहीं है, जब वो फ़ोन चेंज करेंगे तो वो सोचेंगे अरे अब मैं क्या करूँ, मैं अपना फेसबुक कहाँ से वापस लाऊँ, जीमेल कहाँ से वापस लाऊँ। बट वही अगर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है जीमेल में, फेसबुक में, इंस्टा, हर जगह, तो आपको अकाउंट रिकवरी का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप अपना भूल गए कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर तो एक प्राइमरी नंबर तो आपको याद ही होगा, उसके थ्रू अपना रिकवर कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेटर है सबके लिए एंड हर तरह से बेटर है, ताकि ना सबसे इंपॉर्टेंट आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, दूसरा आपका पासवर्ड रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हमेशा आप चाहो तो ओटीपी क्रिएट करके अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस, आप अभी अगर इस वीडियो को देखो तो आप अभी जाओ अपने जीमेल में, फेसबुक में, हर जगह जाके अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करो। जीमेल में एक्टिवेट करने के लिए बहुत सिंपल है, जीमेल में लॉगिन करो, अपने माई अकाउंट में जाओ एंड वहाँ साइन इन सिक्योरिटी में आपको मिल जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, वहाँ पर क्लिक करो, फ़ोन नंबर डालो एंड आपके एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने तो ऑन कर दिया, बट अगर आपका फ़ोन कहीं लॉस हो गया, मिसप्लेस हो गया, अब आपको अपने जीमेल लॉगिन करना है, ठीक है, अपने जीमेल का पासवर्ड चेंज करना है। हाउ, कैसे आप लॉगिन करोगे, कैसे आप अपना पासवर्ड चेंज करोगे, इसके लिए क्या क्या रहता है? जैसे कि अपने जीमेल में जैसे ही आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करोगे आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद वहाँ पे एक बैकअप कोड्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैकअप कोड्स हो गया, वन टाइम बैकअप कोड्स, आपको जीमेल की तरह से 10 कोड आप रैंडमली जनरेट कर सकते हो। वो 10 कोड आपने जनरेट किया, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने लैपटॉप रख लो, या फिर आप फिजिकली उसको कहीं रख लो, या अपने वॉलेट में आप उसको फिजिकली राइट करके रख सकते हो।
इसमें क्या होगा कि अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाइक आपका फोन मान लो यू हैव लॉस्ट योर फोन, तो आपको ओटीपी तो आया ही नहीं, तो आप लॉगिन करोगे कहाँ से? तो उस टाइम में क्या होता है, तो वो कोड जो रैंडमली आपने जनरेट किया था उसको आप इजिली वहां पे एंटर कर सकते हो, वो एक कोड वन टाइम ही यूज होता है एंड उसके बाद आप वहां से उसको चेंज कर सकते हो। इससे आप क्या होगा कि कहीं भी वर्ल्ड में अपना लॉगिन कर सकते हो। फेसबुक के लिए भी कुछ ऐसा ही सीन है, वहां पे कोड जनरेटर बहुत कुछ है, तो आप ये जाओ एंड वहां चेक करो एंड इजिली आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के बाद आप डेफिनेटली वहां जाके बैकअप कोड्स क्रिएट करके रख लो कि मान लो बाय द वे आपका फोन यू लॉस्ट योर फोन, तो आपको तो लॉगिन करना ही होगा, इसमें भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फोन ट्रैक करने के लिए भी आपको अपने जीमेल लॉगिन करना होगा किसी लैपटॉप में, तभी अपना फोन ट्रैक कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी आपको कोड तो चाहिए लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा ही करो एंड आपके लिए बहुत ही बेटर होगा जो आप अभी जाके अपना हर जो भी सोशल मीडिया अकाउंट से आपका जो भी है सब कुछ में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखो ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके एंड से, ठीक है गाइस। ये सबसे सिक्योर है एंड आप मानो या ना मानो इससे ज़्यादा सिक्योर जो बड़े से बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट है इस वर्ल्ड के वो भी कहते हैं कि अभी तक राइट नाउ ओटीपी सबसे सिक्योर माना गया है, ठीक है। तो आप ही इसको करो एंड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस एक चीज़ रिमेंबर रखना, जैसे कि आपने ओटीपी ऑन किया अपना एक बैकअप कोड क्रिएट करने लगे ताकि कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपको लॉगिन करना हो विदाउट योर फोन नंबर, ठीक है। मैं जानता हूँ कि 90% लोग जीमेल ही यूज़ करते हैं बिकॉज YouTube चलाना है तो Gmail अकाउंट चाहिए, Android फोन चलाना है तो Gmail अकाउंट चाहिए, तो सब केसेस में Gmail ज़्यादा ही आता है, ठीक है। आप Apple भी यूज़ करो, लाइक मैं Apple यूज़ करता हूँ, तो फिर भी मुझे Gmail अकाउंट तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं iCloud.com से ही काम चला लूँगा, iCloud.com से मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड आएगा, बट अगर YouTube चलाना है फॉर एग्जाम्पल मेरा YouTube चल रहा है तो किसके थ्रू चल रहा है? Gmail के थ्रू चल रहा है ना, iCloud थ्रू तो YouTube चलेगा नहीं, इसलिए लोग ज़्यादा Gmail ही यूज़ करते हैं क्योंकि एक Gmail से उनका सारा काम हो जाता है, ठीक है। मान लो एक क्रिएट किया तो जीमेल भी अकाउंट भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, सब कुछ हो गया। वैसे आपको रैंडमली 3-4 क्रिएट करना पड़ेगा, याहू अलग कर लो, ये अलग कर लो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जीमेल यूज करो, वॉट एवर जो भी यूज करना करो, बट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करके रखो ताकि आपको कोई सिक्योरिटी इशू ना आए। माई अकाउंट में जाओ, साइन इन सिक्योरिटी में जाओ, आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिख जाएगा एंड इजिली आप उसको क्रिएट कर सकते हो। एंड ये मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहा हूँ सबको कि आप कर ही लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप भी जानते हो कि आपका फोन नंबर, आपका जीमेल, आपका ईमेल, आपका फेसबुक सब कुछ इट्स कनेक्टेड टू यू ओनली, ठीक है। एंड इंडिया में भी अब बहुत सिक्योरिटी अपडेट्स हो रहे हैं, इसलिए आप भी अपडेट होके रहो ताकि आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई सोशल मीडिया पेज। थैंक यू।